हेलो, इस वीडियो में हम जो जिम्नोस्पर्म्स है उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। एंड लास्ट वीडियो में हम इसके जिम्नोस्पर्म्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी किए थे, ठीक है। ऐसी वीडियो में क्लासिफिकेशन करेंगे। सो क्लासिफिकेशन बहुत लोगों ने दिया है। मेन हम चैम्बरलेन का, चैम्बरलेन है उसका देखेंगे। 1934 में दिया था चैम्बरलेन ने। उन्होंने जिम्नोस्पर्म को डिवाइड किया था दो लार्ज ग्रुप्स में, ठीक। ग्रुप ए इज साइकेडो फाइटा एंड ग्रुप बी इज कॉनिफेरो फाइटा। चैम्बरलेन ने जिम्नोस्पर्म को दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया था, साइकेडो फाइटा एंड कॉनिफेरो फाइटा, ठीक है। अब साइकेडो फाइटा क्लास के अंदर क्या क्या ऑर्डर आते हैं? साइकेडो फिलिकेल्स, साइकेडो ओडियल्स एंड साइकेडेल्स, ठीक है। ये जो साइकेडोफिलिकेल्स हैं और साइकेडोओडियल्स हैं, यहाँ पे एक्सटिंट है, ठीक है। साइकेडेल्स स्टिल प्रेजेंट है। और जो नेक्स्ट है कॉनिफेरोफाइटा, उसके अंदर आपके ऑर्डर्स आते हैं कॉर्डियाटेल्स, गिंगोएल्स, कॉनिफेरेल्स एंड नीटेल्स। इसमें कॉर्डियाटेल्स आपका ये एक्सटिंट है, ठीक है। तो आपके साइकेडोफिलिकेल्स, साइकेडोओडियल्स एंड साइकेडो कॉर्डियाटेल्स, ये तीन एक्सटेंट हैं। बाकी आपके सैकेडेल्स, गिंकोइल्स, गिंकोइल्स में सिर्फ एक स्पीशीज प्रेजेंट है हमारी, वो है गिंकोस बिलोबा, ठीक है। देन आपका आता है कॉनिफ्रेल्स, ये भी प्रेजेंट है इसमें। आपको जैसे पाइनस एग्जांपल हो गया, नीटेल्स में नीटम एफेड्रा, ठीक है। देन बात करते हैं, ये लिखे हैं आपके सैकेडोफिलिकेल्स एक्सटेंट है, कॉर्डियाटेल्स एक्सटेंट है, सैकेडोओडियल्स जिन्हें बेनिटेल्स भी कहते हैं, ये भी एक्सटेंट है, ठीक है। सैकेडेल्स आपके मिजोजोइक एरा से प्रेजेंट डेट तक हैं, गिंको एल्स भी पलाजोइक एरा से प्रेजेंट डेट तक हैं, कॉनिफ्रेल्स भी पलाजोइक एरा से प्रेजेंट डेट तक हैं, और नीटेल्स ये सबसे रिसेंट है। इसलिए ही ये क्या है, एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, ये सबसे रिसेंट है। बात करते हैं साइकेडेल्स की। एक्सटेंट वालों की तो बात ही नहीं करेंगे, जो प्रेजेंट है उनकी बात करेंगे। साइकेडेल्स जो आपका साइकेडोफाइटा के अंदर है, क्लास तीन आता है, साइकेडोफिलिकेल्स, साइकेडोओडियल्स या फिर बेनिटेल्स एंड आपका साइकेडेल्स, ठीक है। साइकेडेल्स सिर्फ प्रेजेंट, अभी प्रेजेंट है। तो उसके अंदर आपका मेन जो ये सारे ग्रुप के मेंबर्स, उन्हें साइकेट्स के नाम से जाना जाता है। 11 लिविंग जनरा होंगे, जो प्रेजेंट टाइम में लिविंग है, 11 है जनरास, और 100 स्पीशीज आती हैं लगभग इस ऑर्डर के अंदर। अब इस ऑर्डर की इस करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि जो ऑर्डर साइकेडेल्स होगा उसके अंदर जो लीव्स होंगी वो पिनेटली कंपाउंड टाइप होंगी, ठीक है। एंड देयर आर दीज आर अरेंज्ड एट द अपेक्स ऑफ द स्टेम, स्टेम की अपेक्स पे होंगी, ठीक है। वुड मैनोजालिक होगी, हम पहले भी पढ़ चुके, बिकॉज जो जालम ट्रेकियाड्स हैं वो लेस हैं, ठीक है। जालम पेनकाइमा ज़्यादा है, पेनकाइमेटस टिश्यू मीन ज़्यादा है, पिथे बड़ा होगा, कॉर्टेक्स बड़ा होगा, तो ये नॉन कॉम्पैक्ट वुड होगी। मेल गैमेट्स मोटाइल होते हैं, जनरली हमने पढ़ा था जिम्नोस्पर्म में मेल गैमेट्स इमोटाइल होते हैं, बट गिंकोज में और साइकेडेल्स में आपके जो साइकेट्स हैं उनमें आपका जो मेल गैमेट्स होता है वो मोटाइल होता है, बाकी जिम्नोस्पर्म में नॉन मोटाइल होता है। प्लांट्स विद पाम लाइक हैबिट, ठीक है, पाम लाइक हैबिट होगा। एंड जो मेल और फीमेल स्पोरोफिल्स हैं, जो मॉडिफाइड लीव्स हैं, ये आपकी कोन्स में होंगी, ठीक है। एक्सेप्ट इन द जीनस साइकस, सी साइकेडेल्स एक ऑर्डर है उसके अंदर आपका साइकस आ रहा है, ठीक है। फिर साइकस के भी डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज होती है, साइकस रिवॉल्यूटा, साइकस का एक जीनस, ठीक है। तो जो साइकस है उसके अंदर जो फीमेल स्पोरोफिल है, ठीक है, वो आपको कोन्स में नहीं मिलता, ठीक है। वो आपको ऐसे मेल कोन के अराउंड, ठीक है, मेल कोन के अराउंड आपको ऐसे क्राउन, एक इंटरनल क्राउन फॉर्म होगा, ठीक है, लीफ लाइक होंगे, कोन्स फॉर्म नहीं होंगे मेगास्पोरोफिल जो साइकस है उसके अंदर, ठीक है। बाकी आपका वरना आपको मेल और फीमेल स्पोरोफिल जो है वो आप कोन्स की फॉर्म में मिलेंगे। एक्सेप्ट इन द जीनस साइकस वेयर द फीमेल स्पोरोफिल्स फॉर्म एन इंटरनल क्राउन, ठीक है, लीफ लाइक होते हैं,
जो फीमेल सुपरफिल होता है। साइकेडेलिक्स इंक्लूड लिविंग मेंबर्स विच हैव लॉन्ग फॉसिल हिस्ट्री एंड कैन बी रिगार्डेड एज लिविंग फॉसिल्स, ठीक है, बिकॉज हमने अभी देखा है आपके कब से हैं, जो आपको मेसोज़ोइक कह रहा है तब से लेकर प्रेजेंट डे तक है, ठीक है। साइकेडेलिक्स फ्लरिश्ड वेल ड्यूरिंग द मेसोज़ोइक एरा एंड आर नाउ रिप्रेजेंटेड बाय 9 वेल डिफाइंड जेनरा दैट आर कन्फाइंड टू लिमिटेड एरियाज इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। यहाँ पे 9 बताया, ऊपर आपका 11th है, 11 लिविंग जेनरा, मे बी वेल डिफाइंड वजह से कहा हो, 9 वेल डिफाइंड जेनरा है दैट आर कन्फाइंड टू लिमिटेड एरियाज, जो आपके मेन बात क्या है इस पूरे के अंदर आपके ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में ज़्यादा मिलते हैं अच्छे तरीके से साइकेडेल्स, वहाँ पे फ्लरिश करते हैं। एग्जांपल साइकस जेमिया मैक्रोजेमिया टीरोफाइलम, ठीक है। फिर बात आती है आपकी गिंको एल्स की, गिंको एल्स आपके मीडियम साइज ट्रीज होंगे, लीव्स फ्लैट होंगी, ठीक है, और लॉब्ड भी हो सकती हैं एंड डाइकोटोमस वेनेशन होगा, ठीक है, और आपका जो मेल और फीमेल फ्लावर्स हैं स्ट्रोबिलाई में यानी कोन्स में होंगे, है ना, दे आर कलेक्टेड इन टू कोन्स, तो आपको गिंगोज में भी आपको कोन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड ये भी लिविंग फॉसिल्स कहे जाते हैं, और पहले इनके अंदर बहुत सारे वाइडली ग्रुप, काफ़ी वाइड ग्रुप था प्लांट्स का, बट प्रेजेंट में सिर्फ एक सिंगल स्पीशीज है, कौन से, गिंको बिलोबा, गिंको इल्स ऑर्डर है, गिंको जीनस है, और स्पीशीज कौन से, बिलोबा, सिर्फ यही प्रेजेंट है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कॉनिफ्रेल्स की, कॉनिफ्रेल्स इज द लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ जिम्नोस्पर्म, 52 जेनराज हैं, 550 स्पीशीज हैं। सी ये जो नंबर है ना कहीं हर डिफरेंट डिफरेंट बुक में वेरी करता है, तो मैंने कई वजह से ऊपर हुआ था उसमें नोट्स मिक्स कर रखे हैं, तो एक में 11 जनरा लिखा था और वहाँ पे दूसरे पॉइंट पे लिखा था 9 जनरा वेल डिफाइंड है इसके, ठीक है। तो 52 जनराज हैं, 550 स्पीशीज़ हैं कॉनिफ्रेल्स के अंदर, ठीक है, ये लार्ज होते हैं, जबकि जो आपके गिंकोज थे, गिंगोइल्स थे, वो आपके मीडियम साइज ट्रीज थे, ठीक है। लार्ज ट्रीज होंगे आपको श्रब्स मिलेंगी, ठीक है, लीव्स निडल लाइक होंगे, स्केल लाइक होंगे, ठीक, समटाइम्स फ्लैटेंड भी मिल सकते हैं लीव्स, ठीक है। मेल सेल्स कभी मोटाइल नहीं होंगे क्योंकि सिर्फ गिंगो में होते हैं, गिंगोइल्स में और आपके साइकेडेल्स में होते हैं, ठीक है। द मेल फ्लावर आर अरेंज्ड इन मोर लेस कॉम्पैक्ट क्लस्टर्स और कैटकिंस, जबकि जो फीमेल फ्लावर होगा दे आर यूजली क्लस्टर टू फॉर्म अ कोन, ठीक है। तो फीमेल फ्लावर आपको कोन्स क्लस्टर करते हुए कोन की फॉर्म में मिलेंगे, जबकि मेल फ्लावर्स आपको एक लेस कॉम्पैक्ट क्लस्टर होगा जिसे हम कैटकिन कह देंगे, ठीक है, कैटकिंस। ब्रांचेज यूजली डायमॉर्फिंग होंगी यानी लॉन्ग और डॉफ शूट्स, मतलब बड़ी और छोटी दोनों होंगी, ठीक है। वुड पिकनो जैलिक हो गया हमें पता है, उसका मेन एग्जांपल पाइनस है, ठीक है। आपका जैलम ट्रैकियाड ज़्यादा है, पेरेन्काइमा कम है, इसलिए वुड कॉम्पैक्ट है, कमर्शियली ड्यूरेबल है। क्या क्या आते हैं इसके अंदर, पाइनस, सेड्रस, एबीज, बायोटा, ठीक है, और एक्यूरिया, थूजा एंड दीज सम कॉनिफर्स आर वर्ल्ड्स टॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लिव्ड प्लांट्स। तो कॉनिफर्स में जो आपके एग्जांपल्स हैं तो आपके वर्ल्ड्स टॉलेस्ट और लॉन्ग लिव्ड प्लांट्स में आते हैं, जैसे सिक्वा जाजेंटिया, ठीक है, लॉन्ग लिव्ड में भी है, 4000 ईयर्स है, ठीक है, और आपका 300 से 400 फीट तक ग्रो कर जाता है। जो कॉनिफर्स हैं वो कॉस्मोपॉलिटन है, फिर सर्वव्यापी यानी हर जगह पाए जाएंगे, जबकि हमने ऊपर ही पढ़ा था जो आपके साइकेडेल्स थे वो आपके ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में वेल फ्लरिश्ड होता है, ठीक है, मतलब वहाँ पे दे आर लिमिटेड टू दी एरियाज इन दी, है ना, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज।
जबकि जो आपके कॉनिफ्रेल्स हैं वो आपके सर्वव्यापी यानी सब जगह पाए जाने वाले आराम से, इसलिए हम कहेंगे कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है, एंड और तब बेकार की बात है। ये हैं बस, ये पाइन ट्रीज आपने देखा होगा काफ़ी, एक एस्थेटिकली भी अच्छे होते हैं ना, तो जहाँ पे रिक्रिएशनल सेंटर्स होते हैं, ट्रीटमेंट सेंटर होते हैं, वहाँ पे लगाए जाते हैं, है ना आपके, तो मतलब काफ़ी एस्थेटिकली अच्छे होते हैं। हेल्थ रिजॉर्ट्स में मिलेंगे आपको ये, है ना, दे बिकॉज दे प्रोवाइड अ कूल एंड सूथिंग क्लाइमेट सूटेबल फॉर हेल्थ, एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया। फिर आपका आता है नीटेल्स। नीटेल्स आपकी डिसेंट हैं, स्मॉल ट्रीज होंगे, श्रब्स होंगे, इफ क्लाइंबिंग श्रब्स मिल जाएंगे, ठीक है, अपोजिट लीव्स मिलेंगे एक दूसरे के, ठीक है। डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियोज होंगे एंड कॉन्स होंगे मेल में भी और फीमेल में भी। स्मॉल ट्रीज, श्रब्स, क्लाइंबिंग श्रब्स, अपोजिट लीव्स, डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो, कॉन्स मिलेंगे आपको मेल में भी फीमेल में भी, ठीक है। और इसमें आपके थ्री लिविंग जेनराज आते हैं, नीटम, एफेड्रा, वेलविशिया, ठीक है। एंड फिर आपके बात करते हैं ऐसी एक्स्ट्रा पॉइंट है, वेलविशिया आपका रिप्रेजेंटेड बाय स्पीशीज मिराबिलिस, है ना, वेलविशिया जीनस है और मिराबिलिस स्पीशीज, या आपको डेजर्ट से मिल जाएगा साउथ वेस्ट अफ्रीका में। एफेड्रा जो है उसके 30 to 40 स्पीशीज़ हैं, इट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स ऑफ एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका। इनसे काफ़ी एक फेमस ड्रग ऑप्टेन होता है जिसे हम कहते हैं एपेड्राइन, ठीक है। एंड जो इसका कोन होता है नीटम का, मेल और फीमेल दोनों कॉम फोन कॉन जो है वो फॉर्म करते हैं, तो दे कैन बी ईटन एज, जो उनकी यंग लीव्स होंगे, ठीक है, दे कैन बी ईटन एज वेजिटेबल्स। सो इस वीडियो में यहीं तक था, नेक्स्ट वीडियो में हम आपका मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी रिप्रोडक्शन ऑफ साइकल्स डिस्कस करेंगे।